नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जय श्री न्यूज। देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस बात की जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दी। साथ ही नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि मैंने लाल कृष्ण आडवाणी से बात किया है और उन्हें इस बात को लेकर बधाई भी दी है। ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखते हैं मोदी, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ट्वीट करते हुए लिखते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट श्री एल के आडवाणी जी विल बी कन्फर्ड द भारत रत्न। आई ऑल्सो स्पोक टू हिम and congratulated him on being conferred this honor, one of the most respected statesmen of our time. This contribution to the development of India is monumental. His life started from working as the grassroots to serving the nation as our deputy prime minister. He distinguished himself as our home minister and INB minister as well. His parliamentary interventions have always been एग्जाम्पलरी फुल ऑफ रिच इंसाइट्स। यानी कि ट्वीट करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने बताया है कि मैंने उनसे बातचीत की है। मैं आपको एक बार हिंदी में भी उनके जो ट्वीट हैं वो बता देता हूँ। बताते हुए, खुशी है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और इस सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर से काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप अनुकरणीय हैं और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे परे हैं। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है, उनसे बात किया, उन्हें बधाई दी है। मैं आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री चुने गए थे और उसके बाद आडवाणी जी का नाम जो है राम मंदिर आंदोलन में भी आया था, जिसको लेकर उनको कई बार ट्रायल में शामिल भी होना पड़ा, उन्हें सजा भी सुनाया गया था। हालांकि बाद में उनके स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए उनको इस पूरे मामले से मुक्त भी कर दिया गया था। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की जो पूरी मेहनत है, जिस प्रकार से वो उनका जीवन जुझारूपन से भरा रहा, राम मंदिर की लड़ाई हो या फिर बीजेपी के स्थापना से लेकर बीजेपी के सरकार बनाने तक का जो युद्ध था उनका, इन सभी योगदानों के लिए उनको याद किया जाएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा जय जी के साथ। धन्यवाद।